प्यार, यादें और खुशियाँ मिलकर घर को घर बनाती हैं, चाहे वो घर किराए का हो या अपना। हाय माय YouTube फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अर्बन होम इनसाइट। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि बोलते हैं, किचन इज द हार्ट ऑफ द होम। सो जो एक होममेकर होती है, उसका काफ़ी सारा समय ना किचन में स्पेंड होता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा काम भी जल्दी जल्दी से फिनिश हो जाए और हमारी किचन भी ऑर्गेनाइज रहे। सो यस गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली कुछ किचन एसेंशियल, साथ में कुछ किचन डेकोर आइटम्स। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, हाई आई एम प्रियंका पाल, आई मेक फैशन वीडियोज एंड होम डेकोर वीडियोज। सो इफ यू आर इंटरेस्टिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट, प्लीज मेरे चैनल को कर देना आप सब्सक्राइब। सो फर्दर एनी बकबक, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। मूविंग ऑन टू फर्स्ट आइटम, सो दिस इज 3-layer स्टेनलेस स्टील ट्रॉली फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टैंड बास्केट। ब्रांड मिल जाएगा आपको प्रीटम मॉल का। मटेरियल ये स्टेनलेस स्टील है, ये आपको 3 layers में मिल जाती है, और आप इसको ना मल्टीपर्पज़ तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसमें मैंने अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स स्टोर करे हैं, आप इसमें अपने कंटेनर और जार वगैरह भी रख सकते हैं। इसका स्पेशल फीचर ये है कि रस्ट फ्री है। मैं इसको 4-5 months से यूज़ कर रही हूँ, जैसे ये शाइनी आई थी ना, अभी भी ये वैसे ही शाइनी है। इसकी बास्केट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा डीप है, इससे आप अपने आइटम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इट्स कम विद अ व्हील टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजी। इससे नीचे आपकी डस्ट वगैरह नहीं रहेगी, आप मूव वगैरह इजीली लगा सकते हैं। इससे पहले ना मैं एक प्लास्टिक की बास्केट यूज कर रही थी, वो काफी ज्यादा स्पेस भी लेती थी और मैसी भी बहुत ज्यादा लगती थी। एंड जब से ये बास्केट मैं यूज कर रही हूँ, एक तो मैसी नहीं होता और दिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और स्पेस भी इसने बहुत कम लिया। बात कर लेते इसकी प्राइसिंग की, तो ये मुझे 1499 rupees में पड़ गया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सो दिस इज सेरेमिक जार विद लिड एंड होल्डिंग ट्रे। बात कर लेते हैं इसके ब्रांड की, तो ये क्रिएटिव होम्स का है। मटेरियल आपको सेरेमिक मिल जाएगा, ये आपको पैक ऑफ 3 में मिल जाएगा, साथ में आपको एक होल्डिंग ट्रे भी मिल जाती है। आप इसको मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप इसमें पिकल्स, स्पाइसेस, जैम, टी, कॉफ़ी, शुगर, आपको जो भी रखना है आप इसमें रख सकते हैं। फिलहाल इसमें मैंने अभी टी, शुगर और सॉल्ट रखा है, बिकॉज ये डेली यूज़ होता है एंड एक्सेस करने में ईजी हो जाता है, एंड ये बाहर भी रहता है ना, तो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसमें आपको वेराइटी ऑफ डिज़ाइंस, कलर बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे लगता है ना, हम इंडियंस बिलीव करते हैं दैट द नेचुरल मटीरियल ऑफ द जार, लाइक कि सेरेमिक हो गया, मिट्टी का हो गया, डज इट इफेक्ट ऑफ द alter the taste, flavor and color of the contents, but in fact enhances its nutritional value. So, बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये मुझे 585 rupees में मिल गया था। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सो दिस इज माई करेंट फेवरेट गैजेट। सो रिसेंटली अभी मैंने इसको यूज करना स्टार्ट करा है एंड आई एम लविंग इट। सो यस, दिस इज एयर फ्रायर। इसके साथ आपको मिल जाता है इंस्ट्रक्शन बुकलेट, कुकिंग बुकलेट, और एक आपको ऑयलिंग के लिए एक ब्रश मिल जाता है। सो आप इसमें रोस्ट, बेक एंड रीहीट कर सकते हैं। सो आई वॉन्टेड दिस सिंस लॉन्ग, नाउ व्हेन आई एम यूजिंग इट आई एम बिकमिंग मोर एडिक्टेड टू इट। सो इसमें आप हेल्थी वे में कुकिंग कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपके घर में एयर फ्रायर ज़रूर होना चाहिए। सो जो लोग डीप फ्राई वगैरह नहीं खाते हैं ना, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पे मैं फ्रोजन स्माइलीज ट्राई करने वाली हूँ। लेस ऑयल में आपकी फ्रोजन स्माइलीज तैयार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा था। सो आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, लाइक चिकन कबाब्स, कटलेट, गोभी मंचूरियन, फ्राइड वेजीज, काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ना, इसमें टेस्ट भी चेंज नहीं होता। सो आप हेल्दी वे में कुकिंग कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है ना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो इसमें टाइमर और टेम्परेचर दोनों दिया हुआ है, आप सेट करके आराम से बैठ जाइए, आपकी चीज़ें तैयार हो जाती है। अगर आप चाहते हैं ना, इसके ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो लेके आऊँ, लाइक इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या क्या आया था और इसमें क्या क्या हम डिशेज़ बना सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की, तो ये मुझे 7199 rupees में मिल गया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सो दिस इज प्लास्टिक कंटेनर सेट। ब्रांड मिल जाएगा आपको अरोही। मटेरियल ये प्लास्टिक है, ये आपको सेट ऑफ 6 में मिल जाता है। आप इसमें 1100 ml तक स्टोर कर सकते हैं, लाइक 1 kg तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। द कंटेनर आर सुटेबल फॉर बिस्किट्स एंड अदर स्नैक्स एज दे आर एयर टाइट, एज वेल एज दाल एंड पाउडर थिंग्स लाइक बेसन एंड सूजी भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ईजी टू हैंडल है, और सबसे बड़ी बात एक प्लास्टिक में स्मेल आती है ना, इसमें कोई भी स्मेल नहीं है, BPA फ्री है, और जिस शेप के है ना, ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा नहीं लेते किचन में, बिकॉज जो कंटेनर्स होते हैं ना, वो किचन में बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं, अनब्रेकेबल हैं। बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये मुझे 480 rupees में मिल गए थे 6 कंटेनर्स।
So moving on to next item. So this is very cute wooden masala box. Brand मिल जाएगा आपको The Hartwell Store का. Material इसका wooden है. And this is very beautiful product. Really liked it. Exactly shown in the description. So इसमें आपको 9 boxes मिल जाते हैं. जो boxes है ना वो बहुत ज़्यादा deep नहीं है. So आप इसमें मसाला वगैरह ज़्यादा store नहीं कर सकते. And इसमें आपको एक spoon भी मिल जाता है. So इसको मैं one word में describe कर देती हूँ. जो wood की finishing है वो best है. Product packaging military grade आई थी. क्लियर जो इसका ग्लास है वो स्पॉटलेट एंड स्क्रैचलेस मुझे रिसीव हुआ है. क्यूटनेस ओवरलोडेड एंड जो इसका लॉक है ना वो एंटीक काइंड ऑफ है. सो पूरा प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा क्यूट है. बात कर लेते इसके प्राइसिंग की तो ये मुझे 649 रुपीज़ में मिला. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर शेप सेरेमिक प्लांटर. ब्रांड मिल जाएगा आपको बॉटमी स्टोर का. मटेरियल ये सारमिक है. जो कलर मैंने इसमें पिक करा है वो येलो कलर करा है. इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे. सो दिस इज़ ए स्मॉल येलो कमल शेप प्लांटर और पॉट आप इसको कह सकते हैं. सो बॉटम में ना आपको एक ड्रेनेज होल मिल जाएगा. सो आप इसमें लाइव प्लांट आर्टिफिशियल प्लांट दोनों लगा सकते हैं. एंड दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है. एंड इसको मैंने येलो कलर में इसलिए परचेज़ करा है बिकॉज जो मेरे किचन का कलर कॉम्बिनेशन है वो येलोश एंड ग्रेश में है. सो काफ़ी अच्छे से जा रहा था उसके साथ. बात कर लेते इसके प्राइसिंग की. सो ये मुझे 100 रुपीज़ में मिल गया था. एंड जितने भी प्रोडक्ट मैं यहाँ परचेज़ कर रही हूँ सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी तो आप ईजिली चेकआउट कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम. सो दिस इज एग बॉयलर. ब्रांड मिल जाएगा आपको गिल्टन का. मटेरियल ये प्लास्टिक है. सो आप इसमें 7 एग्स तक बॉयल कर सकते हैं. इसके साथ मिल जाता है आपको एक मेजरमेंट कप. सो उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्ट मीडियम हार्ड बॉयल कर सकते हैं. सो जब हम यूटेंसिल्स में एग को बॉयल करते हैं ना जो शेल होती है बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है. एग्स खराब हो जाते हैं. सो फाइनली आई गॉट दिस प्रोडक्ट. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट विच इज वेरी यूजर फ्रेंडली. एंड एग्स बॉयल इंस्टेंटली. नो नीड टू वेट टू मच टाइम. दिस इज वैल्यू फॉर मनी. अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल है हॉस्टल में रहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए. आप इसको जरूर से बाय कर सकते हैं. सो बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की. सो ये मुझे 379 रुपीस में मिल गया था. सो नीचे की तरफ आपको ये ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा. सो आप इजी से एक्सेस कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम. सो दिस इज माइक्रोवेव ओवन कवर. ब्रांड मिल जाएगा आपको डेकोट्री स्टोर का. मटेरियल ये कॉटन है. एंड जो इसका मटेरियल है ना वो काफी ज्यादा थिक है. नीचे की तरफ आपको लाइनिंग मिल जाएगी. एंड जब ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था ना मुझे लग रहा था जो इसके ऊपर प्रिंट है वो वॉश के बाद निकल जाएगा. बट मैं इसको काफ़ी बार वॉश कर चुकी हूँ. प्रिंट और कलर कहीं नहीं गया. दिखने में बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है. एंड इट श्योरली टू कैच अटेंशन. इसके साथ मिल जाते हैं आपको ये 4 पॉकेट्स. एंड ये आपको मिल जाता है 14x36 इंचेस में. इसमें आपको काफ़ी सारे कलर डिज़ाइन पैटर्न बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर मिल जाएंगे. सो बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की. सो ये मुझे 321 रुपीज़ में मिल गया था. इतना ब्यूटीफुल सा क्यूट सा कवर. I hope you like the video, so please don't forget subscribe to my channel to stay tuned for more such interesting, exciting fashion and home decor related video coming soon. So I will be seeing you in my next video. Till then, bye bye.